गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचूर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम आज की कक्षा में हम लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोकसभा के गठन से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने राज्यसभा के गठन और भी शक्तियों के बारे में देखा। आज हम देखेंगे लोकसभा के गठन के संबंध में। देखो, लोकसभा को प्राय हम लोकप्रिय सदन भी कह सकते हैं, निम्न सदन भी कह सकते हैं और पहला चैंबर भी कह सकते हैं। आपको कभी भी इस प्रकार के शब्द आए कन्फ्यूजन नहीं होना, आपको स्पष्ट समझना है कि ये लोकसभा की बात। लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं अर्थात लोकसभा के जो सदस्य हैं उन सदस्यों को हम सभी भारतीय नागरिक चुनते हैं, अर्थात हम प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के जो सदस्य हैं इनका चुनाव करते हैं। आपको यहाँ पे स्पष्ट होना है, राज्यसभा की तरह नहीं है कि वहां पर जो लोग जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा लोकसभा में हम सभी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके हैं वे सभी इस लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारी डायरेक्ट इसमें भागीदारी होती है, इसलिए प्राय इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं। दूसरा निम्न सदन। अब देखो, ये निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं, उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, इसका मतलब उच्च है या निम्न, ऐसा कुछ नहीं है। प्राय इनको एक भाषा के तौर पर प्रयोग करते हैं, संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, ये हमारे आम बोलचाल में और संसदीय व्यवहार में शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए आपको स्पष्ट होना है कि इनका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। प्राय उनके कार्य सिद्धांत को देखते हुए ये शब्द इनके लिए प्रयोग किया जाता है। इसको पहला चैंबर कहते हैं, राज्यसभा को दूसरा चैंबर कहते थे, इसलिए प्राय जो लोकप्रिय नाम है इनको आपको याद रखना चाहिए। कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किससे कहा जाता है, तो आपको लोकप्रिय सदन, निम्न सदन और पहला चैंबर, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरे में आपको ये स्पष्ट यहाँ पे करना चाहता हूँ, जिस प्रकार हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा, राज्यसभा में ये स्पष्ट किया कि जो हमारी भारत की राज्यसभा है काउंसिल ऑफ स्टेट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स और अमेरिका या अमेरिका की कांग्रेस के सीनेट दोनों से तुलना की जाती है। कहने का तात्पर्य कि हमारी राज्यसभा का जो गठन और जो शक्तियां हैं वो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां का एक सदन है और अमेरिका की कांग्रेस अर्थात वहां की संसद जिसको कहते हैं अमेरिकी कांग्रेस के सीनेट दोनों का मिलन जुलन स्वरूप है। उसी प्रकार से हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो इंग्लैंड की संसद का एक सदन है जिसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड की संसद का एक सदन है, एक हाउस है, ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स तथा अमेरिका के कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा जिसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से तुलना की जाती है, ये आपको याद रखना है। कहने के तौर पर तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि हमारा जो लोकसभा है हाउस ऑफ पीपल है वो इन दोनों सदनों से काफी मिलता जुलता है, इन दोनों सदनों से काफी शक्तियां अर्जित करता है, समान शक्तियों के तौर पर उनको समझ सकते हैं, आई बात समझ लें। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में जिस प्रकार की जो व्यवस्था अपनाई है विश्व के कई देशों के संविधान का प्रभाव रहा उस पर, तो हम कह सकते हैं कि हमारी लोकसभा पर जो प्रभाव है सबसे ज्यादा वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक हाउस है, एक सदन है जिसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स और अमेरिका की जो कांग्रेस है उसका एक सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दोनों से काफी मिलता जुलता है, विशेषकर हाउस ऑफ कॉमन्स की ज्यादा नजदीक। ये बात हमने स्पष्ट की कि लोकसभा हमारी इन दोनों सदन से प्राय तुलना की जाती है, बात स्पष्ट हो। अब हम समझते हैं हमारी लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन किस प्रकार से क्या है आप समझिए। देखिए, अनुच्छेद 81 आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि आर्टिकल 79 में संसद अर्थात हमारे राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर ही संसद बनती है। आर्टिकल 80 में हमारी राज्यसभा के संबंध में उल्लेख और आर्टिकल 81 में हमारी लोकसभा का,
यहाँ पर स्पष्ट होना है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया है। आई बात समझ में? बिल्कुल आपको समझना है। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है और 81 में हमारी लोकसभा है। क्लियर? अब आइए देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारी लोकसभा की सीटों की बात करते हैं। लोकसभा में कितनी सदस्य संख्या के लिए सीटें निर्धारित की गई है? तो देखो, हमारी लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्यों की है वो 552 है। हमारे लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी है? 552। ये आपको समझते हैं। वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 545। यानी 545 सदस्य हमारी लोकसभा में बैठते हैं। हमारी लोकसभा की कुल सदस्य कितने हैं? 545। लेकिन जो अधिकतम प्रावधान कर रखा है वो 552 है। स्पष्ट हो? आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में हमारी लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप ये बताएंगे 545। अधिकतम कितनी है? 552। लेकिन आपको याद ये वाली संख्या रखनी। स्पष्ट हो? अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो 545 है इसमें से राज्यों की कितनी सीटें हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी सीटें हैं, अर्थात यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेश में पाया जाता है, उनकी कितनी सीटें हैं, इसका विभाजन देखते हैं। तो आइए, इस 500 मतलब ये जो 552 है, इन 552 में आप देखेंगे 230 सीटें तो हैं हमारे राज्यों में, 230 सीटें राज्यों की, और राज्यों में पूरी पूरी 230 सीटों से सदस्य चुनकर हमारी लोकसभा में आते हैं, लोकसभा में सदस्य आते हैं। कितने? 230 कंप्लीट। 20 सीटें 20 सीटें हैं यूनियन टेरिटरी यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों की जो 20 सीटें हैं इसमें से 13 सीटों से ही सदस्य चुनकर हमारी लोकसभा में आते हैं। बात स्पष्ट हुई? 13 सीटें, ठीक है। तो आप देखिए ये हो गए 546, 230, 530 है, 530। आपको स्पष्ट मैं कह रहा हूं कि जो संख्या थी जो 552 अधिकतम है और वर्तमान 545, ठीक है, उसमें से 530 सीटें राज्य के लिए, राज्य के लिए 530 है, ठीक है। 530 में से 530 के चुनाव होते हैं और 20 सीटें हैं जो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों के, उसमें से 13 सीटों पर चुनाव होते हैं। तो आप देखिए 530 प्लस 13 543 सीटों पर, 543 सीटों पर चुनाव होते हैं। 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, 543 और 2 है हमारे अनुच्छेद 331 के तहत भारत के राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करते हैं। 545। बात स्पष्ट हुई? कुछ तथ्यात्मक मिस्टेक है इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 530 राज्य, 530 परिषदों के चुनाव होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी इनके लिए 20 सीटें, तो 20 में 13 के चुनाव होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 530 राज्य से, 13 केंद्र शासित, 543 और 2 एंग्लो इंडियन, कुल 545। तो वर्तमान में संख्या कितनी है? 545। ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे लोकसभा के सीटों की संख्या। अब आइए देखते हैं हमारी लोकसभा के जो सदस्य होंगे, सदस्यों की क्या क्या योग्यता है, यानी लोकसभा के सदस्य कौन बन सकते हैं, उनकी क्या क्या योग्यता है, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है, आपने पिछली कक्षों में भी ये पढ़ा कि लोकसभा के सदस्य की बनने की क्या क्या योग्यता है। तो सबसे पहले ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई विदेशी नागरिक हमारी लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। लोकसभा के सदस्य बनना है तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उसकी कम से कम 25 वर्ष
तीसरा है वो किसी लाभ के पद पर न हो, अर्थात हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार, हमारी स्थानीय सरकार यानी किसी वैधानिक प्राधिकरण में वो किसी पद पर न हो। आई बात समझ में? अर्थात तीसरी मैंने क्या बताई कि वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तथा चौथी ये है कि न्यायालय द्वारा उसे कभी कि किसी के मामले में दिवालिया घोषित न किया गया। ये चारों जो योग्यता है निर्धारित की गई है वो अगर पूर्ण करता है वही व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। बिल्कुल साधारण सी बात है, आपको इसको स्पष्ट समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, वह भारत का नागरिक होगा, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा, वह किसी लाभ के पद पर नहीं है तथा किसी न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया घोषित न किया गया। अगर ये चार योग्यता पूर्ण करता है तो वो हमें लोकसभा के सदस्य बनने के लिए एलिजिबल है। कंप्लीट हो गया। अगला व्यक्ति कार्यकाल कि हमारी लोकसभा का कार्यकाल कितना है। देखिए सामान्य तौर पर हमारे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बदलाव के आराम से 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं। ठीक है, कार्यकाल हमारा लोकसभा कितना है? 5 वर्ष। लेकिन आपने राज्यसभा को भी पढ़ा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का, हर 2 वर्ष के बाद में एक के सदस्य राज्यसभा की सेवानिवृत्त होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्लेख कर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कार्यकाल जो लोकसभा का है वो 5 वर्ष का। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो समय से पहले भी हमारी लोकसभा को भंग कर सकते हैं, हमारी लोकसभा को भंग कर सकते हैं, कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार गिर सकती है। अविश्वास आया या विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाए तो अविश्वास पारित हो जाए और विश्वास मत जो प्रस्ताव है वो अगर पारित नहीं हो जाए तो भी सरकार चली जाती है। तो आप देखिए समय से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। यहां पर कई बार ऐसा होता है देश में इमरजेंसी लागू है, आपातकाल लागू है, चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं है परिस्थितियां, तो ऐसे समय में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आप देखेंगे कि हमारी पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया। लेकिन ये जरूरी है कि आपातकाल खत्म होने के 6 माह के भीतर भीतर पुनः वापस पहले वाली स्थिति में लौटना होता है, वापस कार्यकाल जैसे जो पहले था वो करना। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारे लोकसभा का सामान्य तौर पर कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन किसी समय ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है तो उसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है और समय से पहले भी किया जा सकता है। इसलिए आपने समझना है कि हमारे लोकसभा का कार्यकाल सामान्य तौर पर 5 वर्ष है। स्पष्ट हो, आपको राज्यसभा के बारे में भी नहीं स्पष्ट किया, आपको दोनों की तुलना करके समझना है कि कौन कैसे क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं चुनाव, निर्वाचन चुनाव कैसे होते हैं। आपको मैंने पहले पिछली कक्षा में स्पष्ट किया कि हमारे यहाँ पर भारत में भारत गणराज्य में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद, इनके जो चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि हमारी लोकसभा, हमारी विधानसभा और हमारी पंचायती राज के प्रारंभिक स्तर वहां पर जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं यानी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। अर्थात हम सभी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होंगे स्त्री पुरुष सभी हमारे प्रतिनिधि को चुनते हैं, अर्थात हमारे संपूर्ण भारत देश को एक भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित करके जो 543 सीटें हैं, 543 सीटों को संपूर्ण भारत में बांट दी जाती है और जो भी निर्वाचन क्षेत्र होंगे या संसदीय क्षेत्र होंगे वो प्राय एक सदस्य होंगे। अर्थात जो भी सदस्य मतलब संसदीय क्षेत्र होगा, जो भी लोकसभा का अपना क्षेत्र होगा वहां से एक सदस्य चुनकर आएगा। आई बात समझ में? यहां पर राज्यसभा या राष्ट्रपति के तरह कोई आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं, कोई संक्रमण
संपूर्ण भारत को अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे हमारे राजस्थान की बात करें, हमारे राजस्थान प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें हैं, यानी राजस्थान से 25 सदस्य इनमें जाएंगे अर्थात लोकसभा में जाएंगे, ठीक है। अब संपूर्ण राजस्थान को 25 सीटों में विभाजित कर दिया जाता है। हमारे यहाँ की बात करें, जैसे हमारा संसदीय क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है जालौर एंड सिरोही, जालौर सिरोही का एक ही सांसद बनता है, ठीक है। अब दोनों जिलों से मिलाकर एक सांसद बनता है, तो आप देखेंगे कि चुनाव चाहे इतने लड़ सकते हैं, चुनाव इतने लोग उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन जीतेगा एक ही सदस्य यहाँ से चुनकर जाएगा, ठीक। अब इस प्रकार से एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किए हुए हैं और चुनाव चाहे जितने व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो चुनाव का फॉर्मूला होता है वो आप समझिए। देखिए आप देखो, आजकल पहले बैलेट पेपर हुआ करते थे, आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है। आप देखेंगे, आप में से कईयों ने अनुभव भी किया होगा, नहीं तो जिनकी 18 वर्ष की आयु उनसे हो चुके हैं वो अपना मतदान करेंगे, इनको पता होगा, और आपने डेमो मशीन भी देखी होगी। समझने के लिए करते हैं कि यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं। जैसे माना कि समझने के लिए ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है INS इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये SP समाजवादी पार्टी है, ये BSP और ये अदर समाजवादी, अदर समाज जो भी निर्दलीय, समझने के लिए आपसे स्पष्ट कर। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे लोकसभा चुनाव में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जिसको सबसे ज्यादा मत मिलते हैं, वो विजयी घोषित होता है। यहाँ पर कोई कोटा निर्धारित नहीं होता है कि इतने प्रतिशत मत मिलने पर ही आप विजय होंगे, ऐसा लोकसभा में नहीं है, ऐसा विधानसभा में भी नहीं है। तो बात हम लोकसभा की कर रहे हैं, तो जिसको सबसे ज्यादा मत मिले वो ही विजय माना जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए कि माना कि हमारे संसदीय क्षेत्र से ये सभी लोग खड़े, इस तरह से पार्टी के अपने उम्मीदवार खड़े, समझने के लिए कहते हैं कि माना कि इसको मिले 7.5 लाख, इसको मिले 5 लाख, इसको 3 लाख, इसको 2 लाख, इनको 1.5 लाख, समझने के लिए अलग अलग करते हैं। अब आप ही बताइए कौन इनमें से विजयी होगा। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि लोकसभा में जिसको सबसे ज्यादा मत मिलते हैं, सबसे ज्यादा उसको वोट मिलते हैं, वो ही कैंडिडेट जीता हुआ विजयी माना जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर 7.5 लाख इसको मिले हैं INS इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 5 लाख समाजवादी पार्टी के, 3 लाख बहुजन समाजवादी पार्टी के, 2 लाख और 10 को 1.5 लाख। बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इस पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो चुनाव जीतेगा, वो चुनाव जीतेगा। क्यों? क्योंकि प्रावधान है कि जिसको सबसे ज्यादा मत मिले वो ही जीता हुआ माना जाए। इसको प्राय कहते हैं सबसे पहले खंभे चुनने वाली प्रणाली, या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसको कहा जाता है, वो हमारी लोकसभा में की प्रक्रिया अपनाई जाती है। स्पष्ट हुआ? तो ये हमने समझा चुनावों का तरीका। क्या हुआ, मैंने स्पष्ट बताया कि लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं, हम सभी भारतीय नागरिक 18 वर्ष की आयु प्राप्त हो चुके हैं, वो सभी हमारे लोकसभा के चुनाव में भागीदार होते हैं, जिसमें जिस भी कैंडिडेट ने सबसे ज्यादा मत प्राप्त किए वो विजयी होगा, ठीक है, और उस संसदीय क्षेत्र का वो सांसद माना जाएगा और हमारे क्षेत्र का वो प्रतिनिधि माना जाएगा और वो लोकसभा के सदस्य कहलाता है, इसको प्राय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MP के नाम से जाना जाता है। तो ये होगी चुनाव अर्थात निर्वाचन की प्रणाली। तो आइए देखिए, आज की कक्षा में हमने हमारी लोकसभा की प्रारंभिक जानकारी, हमारे सदस्यों की योग्यता, कार्यकाल, उनके चुनाव और चुनाव की जो प्रणाली है प्रत्यक्ष रूप से, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया।